गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं LCR सर्किट। इससे पीछे के क्लास में केवल प्रतिरोधी युक्त, केवल प्रेरकत्व युक्त, केवल संधारित्र युक्त, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध R युक्त भी पढ़ लिए थे। फिर प्रतिरोध R तथा संधारित्र C युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ भी पढ़ लिए थे। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है LCR, यानी प्रेरकत्व L, संधारित्र C और प्रतिरोध R युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जिसको हम लोग LCR सर्किट बोलेंगे। यहाँ पर पीछे वाला बात यहाँ पे भी हम लागू करेंगे और उसी के अनुसार कैलकुलेशन करेंगे। जैसे फेज डिफरेंस बहुत इम्पोर्टेंस रखता है यहाँ पर, जो पीछे के क्लास में हम लोग किए थे। पीछे के क्लास में भी बताए थे कि जब केवल प्रेरकत्व लगा हुआ होता है तो धारा विद्युत वाहक बल से पाई बाय टू कोण पीछे होता है। यानी यहाँ पर जो फेज होती है उसको हम बोलते हैं कलापश्चता, फेज लेग, ठीक है, जो पाई बाय टू का होता है। उसके बाद केवल संधारित्र युक्त में भी पढ़े थे कि जब केवल संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हो तो उसमें धारा विद्युत वाहक बल से पाई बाय टू कोण आगे होती है और उसको फेज लीड कहते हैं, ठीक है। तो उन दोनों का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर LCR सर्किट में। तो हम फिगर पहले बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एक प्रेरित्र जिसका प्रेरकत्व L है, एक कैपेसिटर जिसकी धारिता C है और एक प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R है। तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इसे एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया गया है जिसका तत्कालिक मान E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी है। ये फिगर हम लोग बना लिए। क्या बना? कि एक प्रेरकत्व L, संधारित्र C तथा प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा इसे एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया गया है जिसका तत्कालिक मान E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। अब प्रेरकत्व के सिरों के बीच का जो विद्युत वाहक बल होगा उसको हम वी एल से लिख लेंगे और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आई एक्स एल के बराबर। कैपेसिटर यानी संधारित्र के सिरों के बीच का होगा उसको वी सी से लिखेंगे और इसके बीच का जो विद्युत वाहक बल हो जाएगा वी सी, इसका वैल्यू हो जाएगा आई इंटू एक्स सी के बराबर। और आर के सिरों के बीच होगा उसको हम वी आर लिखेंगे और इसका वैल्यू हो जाएगा आई इंटू आर के बराबर। ये हो जाएगा। तो थोड़ा सा भाषा में इसको भी इंक्लूड कर लेंगे, लिखेंगे प्रेरकत्व L के सिरों के बीच का विभवांतर भी L होगा जो धारा से पाई बाय टू कोण आगे होगा। चूंकि प्रेरकत्व युक्त में धारा पाई बाय टू कोण पीछे है और विद्युत वाहक बल आगे है, तो यहाँ पर हम बात तो विद्युत वाहक बल की कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, प्रेरकत्व L के सिरों के बीच का विद्युत वाहक बल भी L धारा से पाई बाय टू कोण आगे होगा तथा संधारित्र C के बीच का विद्युत, सिरों के बीच का विद्युत वाहक बल भी C धारा से पाई बाय टू कोण पीछे होगा और प्रतिरोध R के सिरों के बीच का विद्युत वाहक बल भी R धारा की दिशा में होगी, ठीक है। अब इसका चित्र बना लेंगे हम लोग। चित्र बना लेंगे तो देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको बताया था कि इस दिशा में आप करंट को दिखला दीजिए। अब जिस दिशा में धारा होती है उसी दिशा में रजिस्टेंस के कारण विद्युत वाहक बल होगा और धारा की दिशा से पाई बाय टू कोण आगे होता है विद्युत वाहक बल प्रेरकत्व के कारण। तो प्रेरकत्व के कारण विद्युत वाहक बल इस दिशा में होगा वी एल और जो संधारित्र के कारण होता है वी सी, वो पाई बाय टू कोण पीछे होता है, तो ये पाई बाय टू कोण पीछे हो जाएगा वी सी। तो यहाँ पर हम कुछ कंडीशन ले लेंगे। कंडीशन मान लेंगे कि एक्सएल का वैल्यू है वो एक्स सी से ज़्यादा है तो परिणामी विद्युत वाहक बल इसी दिशा में होगा जिसका वैल्यू वी एल माइनस वी सी के बराबर हो जाएगा। तो एक टोटल का परिणामी कहीं बीच से निकल जाएगा जिसका वैल्यू हो जाएगा ई, कुछ इस प्रकार। तो ये इसका ग्राफ बन गया। अब इसका फेजर डायग्राम भी हम बना लेंगे। फेजर डायग्राम बने चूँकि बताएं कि एक घूर्णी सदिश होता है जो
मूल बिंदु के सापेक्ष धारा तथा विद्युत वाहक बल के शिखर मान को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, और वाई अक्ष पे उसका जो प्रोजेक्शन होता है, प्रक्षेप होता है, वह उसके तत्कालिक मान को देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि विद्युत वाहक बल को हम किसी भी टी समय में हम मान लेते हैं। ये विद्युत वाहक बल है, ई नॉट, किसी भी टी समय पे है, तो फिर इसका जो ये कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ऐसे, ये इसके पीक वैल्यू ई नॉट है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें धारा की वैल्यू भी रिप्रेजेंट करना है मूल बिंदु के सापेक्ष। तो हमें पता है कि जब केबल प्रेरकत्व होता है तो धारा विद्युत वाहक बल से पाई बाय टू कोण पीछे होता है, केबल कैपेसिटर होता है तो धारा पाई बाय टू कोण आगे होता है, और केबल रेजिस्टेंस होता है तो धारा उसी दिशा में है। यानी कहने का मतलब कि अगर केबल प्रेरकत्व होता तो धारा यहाँ पर होती, केबल संधारित्र होता तो धारा यहाँ पर होती, और केवल रेजिस्टेंस होता तो धारा इस लाइन पर होती। पर यहाँ पर तो तीनों है, एगो इधर खींच रहा है, एगो इधर खींच रहा है, और एगो बोल रहा है तुम यहीं पे रहो। अब तीन गो है और तीन दिशा में खींच रहा है। तो देखिए, न तो यहाँ पे रह सकता है, न तो यहाँ रह सकता है, और न ही यहाँ रह सकता है, मतलब इन तीनों लाइन के बीच में कहीं पर हो सकता है, बीच में भी यहाँ पर भी नहीं रह सकता, चूँकि वैल्यू अलग अलग है। तो हम मान क्या लिए, हम मान लिए कि एक्स एल है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, मतलब ये जो इस दिशा वाला है वो कमज़ोर पड़ गया, और ये वाला जो है वो मजबूत हो गया, और ये तो अपना ताकत लगा ही रहा है, तो ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है ये, लेकिन ये बहुत कमज़ोर हो गया, तो परिणामी इसके और इसके बीच में कहीं पर आ जाएगा, और ये डायरेक्शन हो जाएगा करेंट का, ये आई नॉट का। अब मान लेते हैं जो इसकी वैल्यू है आई नॉट की, वो इससे थीटा कोण पर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, तो वाई अक्ष पे जब प्रोजेक्शन लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, चूँकि एंगल के अपोजिट में साइन लगता है, और ये इसके तत्कालिक मान को देगा। और इसके लिए लेंगे साइन के लिए, ये आई नॉट के लिए, तो क्या हो जाएगा आई नॉट और साइन ओमेगा टी में से थीटा को घटाएंगे, तो ओमेगा टी माइनस थीटा बराबर आई नॉट, ये हो सॉरी आई, तो ये इसके तत्कालिक मान को देगा। अगर हम यहाँ पर एक्स सी को ग्रेटर देन मान लिए होते तो ये करेंट कहीं यहाँ पर आ जाता, थीटा कोण आगे हो जाता। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम यही, हम ऐसा भी मान सकते हैं एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल, तो वो वैसा स्थिति होता तो ये वाला ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता, ये कमज़ोर होता, तो फिर धारा इस विद्युत वाहक बल से थीटा कोण आगे हो जाती, लेकिन एक्स एल को हमने मजबूत माना है तो थीटा कोण पीछे हो गया। तो अब दोनों कंडीशन में फेजर डायग्राम आप बना सकते हैं, अगर एक्स सी को मजबूत मानते तो फिर ये परिणाम ही नीचे की ओर होती है ना, तो हर जगह आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते, ऐसी कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तो फिगर हम लोग बना लिए, फिगर में ही भाषा जो छुपा होता है, जो हम पहले ही बता दिए कि क्या लिखना है, तो उसको लिख सकते थे आपकी प्रेरकत्व एल, संधारित्र सी तथा प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और इनको एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया गया है जिसका तत्कालिक मान ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी है। फिर लिखेंगे प्रेरकत्व के एल के सिरों के बीच का विद्युत वाहक बल भी एल धारा से पाई बाय टू कोण आगे होगी, तथा संधारित्र सी के बीच के विद्युत वाहक बल भी सी धारा से पाई बाय टू कोण पीछे होगी, और रेजिस्टेंस आर के कारण विद्युत वाहक बल भी आर धारा की दिशा में होगी। ठीक है, उसके बाद ये जो बात लिखे उसका यहाँ पर फिगर बन गया। ठीक है, अब लिखेंगे चित्र से परिणामी विद्युत वाहक बल, तो आप देख लीजिए ये वाला वी एल माइनस वी सी है तो ये भी वी एल माइनस वी सी होगा, और ये वी आर है तो ये भी वी आर है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये कर्ण है। तो चित्र से हम देखेंगे परिणामी विद्युत वाहक बल के लिए, तो ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ई स्क्वायर बराबर इसके जगह पर आई आर इसका होल स्क्वायर प्लस इसके जगह पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी इसका होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे भी धारा है और यहाँ पर भी धारा है, तो पहले हम इस धारा को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ई स्क्वायर बराबर
आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहाँ से I को कॉमन करेंगे तो स्क्वायर के साथ कॉमन होगा, बचेगा क्या चीज़ एक्स एल माइनस एक्स सी इसका होल स्क्वायर। अब ये जो धारा है उसको पूरे में से कॉमन कर लेते हैं तो ई स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर क्या बचेगा, ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से I का वैल्यू निकालेंगे तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो गया ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा ई एस रूट जाएगा, रूट में ही लिख देते हैं ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और ये रूट अंडर में। अब रूट में है तो आप देख सकते हैं ये स्क्वायर है तो ई बाहर आ जाएगा और यहाँ प्लस में है तो वो वैसा ही रहेगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा ई बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये धारा की वैल्यू आ गई जब परिणामी विद्युत वाहक बल हम लिखे उसके बाद। अब इसे हम ओम के नियम से तुलना करते हैं, ठीक है, इसे ओम के नियम से तुलना करने पर ओम के नियम से तुलना करने पर जब इसको ओम के नियम से तुलना करेंगे तो ओम के नियम में भी आई बराबर हम लिखेंगे वी बटे आर ऐसा लिखेंगे। तो देखिए इसका मात्रक एम्पियर तो इसका ही मात्रक एम्पियर, इसका मात्रक वोल्ट तो इसका भी मात्रक वोल्ट, इसीलिए इसका मात्रक ओम है तो इसका भी मात्रक ओम होगा। तो ओम के नियम से तुलना करने पर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी के होल स्क्वायर का मात्रक ओम होगा। ठीक है, और इसको किससे सूचित करते हैं, इसको जेड से, यहाँ पर भी इसको जेड से ही सूचित करते हैं जिसका वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। और इसको बोलते हैं प्रतिबाधा, यहाँ पर भी इसको प्रतिबाधा इम्पीडेंस, इसको क्या बोलते हैं इसको प्रतिबाधा बोलते हैं। ठीक है, तो ये एल सी आर सर्किट का हम क्या निकालिए प्रतिबाधा। अब इस प्रतिबाधा के लिए हम प्रतिबाधा ट्रेंगिल भी बना लेते हैं जो बताए थे। तो प्रतिबाधा ट्रेंगिल में हम हमेशा बताए थे कि जो सबसे नीचे की भुजा लेते हैं वो रेजिस्टेंस आर को लेते हैं, उसके बाद इसका जो परपेंडिकुलर ले लिए वो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा तो जो बच गए शेष एक्स एल माइनस एक्स सी, तो एक्स एल माइनस एक्स सी ये वाले वैल्यू जो आप यहाँ पर से भी देख सकते हैं ये आर हो गया और ये वी एल है तो केवल प्रतिबाधा त्रिभुज बना रहे हैं, केवल रेजिस्टेंस के रूप में लेना है तो इसका रेजिस्टेंस आर है तो इसका रेजिस्टेंस एक्स एल माइनस एक्स सी हो जाएगा, ये लिखे चाहे ये लिखे तो ये हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी। और ये जो कर्ण हो जाएगा तो कर्ण को ऐसे दिखा देंगे, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू जेड जो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर के बराबर हो गया। अब ये वाला कोण क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, जो फेज डिफरेंस होता है यहाँ पर देख सकते हैं ये थीटा वो, तो ये प्रतिबाधा त्रिभुज बन गया। अब प्रतिबाधा त्रिभुज से आप इस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं तो थीटा को हम क्या लिखेंगे टैन थीटा के रूप में, क्योंकि कलांतर कोण की हम बात कर रहे हैं, कलांतर कोण हमें निकालना है तो टैन थीटा बराबर आपको पता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या चीज़ है एक्स एल माइनस एक्स सी और आधार क्या चीज़ है आर। अब एक्सएल का वैल्यू क्या यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, आगे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सएल का वैल्यू होता है आई ओमेगा सॉरी एक्सएल का वैल्यू ओमेगा एल और एक्स सी का वैल्यू एक बटे ओमेगा सी और नीचे क्या चीज़ आर, तो टैन थीटा बराबर ओमेगा एल को क्या लिखेंगे टू पाई इंटू एफ, क्योंकि टू पाई बटे टी और एक बटे टी को एफ, तो टू पाई एफ इंटू एल और माइनस एक बटे टू पाई एफ इंटू सी, ये सी है और नीचे क्या हो जाएगा ये आर। इसको भिन्न का घटाव भी कर सकते हैं, यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, जहाँ तक कैलकुलेशन कर ले तो ये वहाँ से फेज डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो एल सी आर सर्किट का हमने फिगर बनाया, जो डेफिनेशन है उसके अनुसार विद्युत वाहक बल का स्ट्रक्चर बनाए, फिर उसका फेजर डायग्राम बनाए, फेजर डायग्राम से हमने
परिणामी विद्युत वाहक बल को रखकर कैलकुलेट किए और वहाँ से ओम के नियम के जैसा एक फार्मूला बना। फिर इसे ओम के नियम से तुलना किए तो ये जो नीचे वाले वैल्यू है उसका मात्रक ओम होगा तुलना करने पर, जिसको यहाँ पर प्रतिबाधा कहा जाता है। फिर इसके आधार पर हम एक प्रतिबाधा त्रिभुज बनाए और उस प्रतिबाधा त्रिभुज से कलांतर कोण का मान निकाल लिए। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से धारा का भी वैल्यू लिख लेते हैं, विद्युत वाहक बल का भी वैल्यू लिख लेते हैं, पीक मान भी उसका सब कुछ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका पीक वैल्यू निकालेंगे, आई नॉट अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ई नॉट बटे जेड। ठीक है, यानी आई नॉट बराबर हो जाएगा ई नॉट और जेड का वैल्यू क्या, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये इसका पीक वैल्यू निकल गया। अब जो विद्युत वाहक बल का स्रोत लगाया गया था जिसका क्या मान है, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, तो धारा का मान क्या है, तो धारा का मान है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। क्योंकि फेजर डायग्राम में आप देख रहे थे कि थीटा कोण पीछे था धारा, तो धारा में थीटा कोण पीछे लिखेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट के जगह पर फिर हम ये वाला वैल्यू लिख सकते हैं, ई नॉट बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। ये तो इसके तत्कालिक मान को भी हम निकाल लिए। ठीक, तो ये था एलसीआर सर्किट, है कुछ नहीं क्योंकि अभी तक हम जो भी सर्किट आपको पढ़ाए वो देख रहे थे सब एक ही जैसा था। एक बार बस ध्यान रखना था एल वाले को और सी वाले में, यहाँ पर धारा पाई बाई टू कोण पीछे, यहाँ पर धारा पाई बाई टू कोण आगे, और इसी पर आधारित बाकी सभी थे और उसी के आधार पर हम अभी तक जितने बनाए थे उसका फिगर बनाना, फेजर डायग्राम बनाना और कैलकुलेशन करना। तो आप भी इसको कॉपी पे लिख कर कोशिश करो एक दो बार लिखने के, तो फिर वे 100% आपको ये याद आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था एलसीआर सर्किट, और जो अल्टरनेटिंग करंट में जो सर्किट पढ़ना था वो सर्किट हम लोग पूरा पढ़ लिए। अब हम पढ़ लेते हैं रिजोनेंस, इलेक्ट्रिक रिजोनेंस विद्युत अनुनाद। ठीक है, इलेक्ट्रिक रिजोनेंस विद्युत अनुनाद के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि उसका उपयोग क्या है। कोई बड़ा उपयोग तो नहीं हम लोग को यहाँ पे जानना है, बस हम लोग वो विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं मूल रूप से उसका डेफिनेशन ही जानना है। ठीक है, उसका मतलब, बाकी ज़्यादा उसका यूज नहीं, क्योंकि ये सब ज़्यादा यूज अब इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे अनुनाद के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं कम्युनिकेशन में, और वो अपर क्लास में जानते हैं तब हायर एजुकेशन में, पर यहाँ पर थोड़ा सा जान लेना हमें कि रिजोनेंस को कहते किसको है। इलेक्ट्रिक रिजोनेंस विद्युत अनुनाद, देखिए विद्युत अनुनाद भी एलसीआर सर्किट के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हम एलसीआर सर्किट बना भी लेते हैं। एलसीआर सर्किट में क्या होता है कि एक प्रेरकत्व होता है, एक संधारित्र होता है और एक प्रतिरोध होता है, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं और इसको किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है जिसका तत्कालिक मान क्या है, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। ये प्रेरकत्व L है, कैपेसिटर C है और रेजिस्टेंस R है। तो जब LCR सर्किट में विद्युत वाहक बल को जोड़ते हैं तो इसके मान को स्थिर रखकर, जो विद्युत वाहक बल का पीक वैल्यू है उसको स्थिर रखकर आवश्यकता अनुसार जो ओमेगा का वैल्यू है कोणीय आवृत्ति, इसके मान को समंजित किया जाता है, इसके मान को बदला जाता है। ठीक है, और इसके मान को बहुत बड़े राशि तक भी और बहुत छोटे राशि तक भी बदला जा सकता है आवश्यकता अनुसार एलसीआर सर्किट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इसके कारण रेजिस्टेंस होता है उसको एक्सएल से लिखते हैं जिसका वैल्यू ओमेगा एल के बराबर होता है, इसको एक्ससी से लिखते हैं जिसका वैल्यू एक वट ओमेगा सी होता है और इसका रेजिस्टेंस तो आर होता है, और इन सब के कारण जो प्रतिबाधा होता है जेड जिसका वैल्यू होता है रूट अंडर में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, या इसी को लिखे तो रूट अंडर ये आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का वैल्यू ओमेगा एल और माइनस एक्स सी का वैल्यू एक बटे ओमेगा सी।
और इसका होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके कारण प्रतिरोध ये हो रहा है, अकेले इसके कारण प्रतिरोध, अकेले इसके कारण और अकेले इसके कारण, ठीक है। पर सबका एक साथ लिखे तो ये होता है। तो इसके पीक वैल्यू को स्थिर रख कर इसके जो कोणीय आवृत्ति है इसको आवश्यकता अनुसार समंजित किया जाता है, उसको बहुत बड़े मान तक भी बदला जाता है और बहुत छोटे मान तक भी बदला जाता है। तो जो इसके मान को जब हम बदलते हैं तो मान को बदलने पर जो इसका वैल्यू है वो आर पर निर्भर नहीं करता है, रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है, पर XL बदलता है, XL को प्रभावित करता है, XC को भी प्रभावित करता है, और XC को प्रभावित करता है तो चूंकि LCR सर्किट है तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस जिसको प्रतिबाधा कहते हैं, प्रतिबाधा को भी यह प्रभावित करता है, ठीक है। तो एक चीज़ देखिएगा कि जब हम ओमेगा के मान को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है, जब ओमेगा के मान को बहुत बढ़ाएंगे तो ओमेगा जो है वो XL, चूँकि XL बराबर ओमेगा L है, ठीक है, तो ओमेगा के वैल्यू को जब बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो XL का मान बढ़ जाएगा, और ओमेगा के मान को जब बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो XC के मान घट जाएगा, चूँकि 1/ωc बराबर XC है कि नहीं। तो जब ओमेगा के वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो XL बढ़ रहा है, लेकिन ओमेगा की वैल्यू घटाएंगे तो XC घटेगा, चूँकि ये व्युत्क्रम में है, बटा में है। तो जब ओमेगा की वैल्यू को हम बहुत बढ़ाएंगे तो XL क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा और XC बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर हम ओमेगा के वैल्यू को बहुत ज़्यादा घटा देते हैं तो फिर XC बहुत बड़ा हो जाएगा और XL क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। यानी ओमेगा की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ाए तो ये बढ़ा, ये छोटा हुआ, और बहुत ज़्यादा घटाएंगे तो फिर ये बड़का हो जाएगा, चूँकि बटा में है और घटा रहे हैं तो ये छोटा हो जाएगा। तो दोनों स्थिति में देखिए, एक बार ये बढ़ रहा है बढ़ाने पर और ये घट रहा है, और जब इस घटाते हैं तो ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। तो ओमेगा को हम बढ़ाते हैं चाहे ओमेगा को हम घटाते हैं, तो एक बार ये बढ़ जा रहा है, ये बहुत छोटा हो जा रहा है, तो बहुत बड़ा राशि में से बहुत छोटा राशि को जोड़ दे चाहे घटा दे, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर इसको घटा देते हैं तो ये बड़का हो जाएगा, तो ये माइनस में थोड़ी ना आएगा क्योंकि स्क्वायर है, फिर प्लस में आ जाएगा, और बड़का में से छोटका को घटाइएगा फिर भी मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चूँकि ओमेगा को जब हम बढ़ाएँ तो XL बढ़ गया, और XC बहुत छोटा है तो उसको छोड़ दे चाहे हटा दे, कोई मतलब उसमें जोड़ दे चाहे घटा दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब ओमेगा को हम घटा देंगे तो ये बड़का हो जाएगा, तो इसको जोड़ दे चाहे घटा दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये माइनस में आ रहा है तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, जब हम ओमेगा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ओमेगा को बहुत ज़्यादा घटा रहे हैं, फिर भी जेड के मान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ाने पर भी बहुत ज़्यादा घटाने पर भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, फिर भी जेड का जो वैल्यू आएगा वो एक तरीका से, घटा देते हैं फिर भी जो दूसरा वैल्यू आएगा वो भी। तो दोनों स्थिति में बहुत ज़्यादा बढ़ाने पर भी और बहुत ज़्यादा घटाने पर भी जेड का मान आएगा वो एक अलग मान ही आएगा, लगभग लगभग बराबर होगा, ज़्यादा इसको वैरी नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर हम इसका वैरी का ग्राफ बनाए कि किस प्रकार ओमेगा का मान को अगर हम बदले, और इन सारी स्थिति में जो आई का वैल्यू आएगा मैक्सिमम मान वो ई नॉट बटे जेड का बराबर, वो एक न्यूनतम ही आएगा, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, इसको बहुत ज़्यादा घटा भी दिए तो इसके मान में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो पा रहा, तो फिर आई का वैल्यू जो आएगा वो, चूँकि ये ज़्यादा है, नीचे वाला राशि ज़्यादा होता है तो ये छोटा है, तो आई का मान एक छोटा मान ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसका वैरी का एक हम ग्राफ बनाते हैं कि इस दिशा में हम ओमेगा को बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस ओमेगा के बढ़ाने और घटाने से उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जो रेजिस्टेंस है वो तो अचर ग्राफ बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ओमेगा को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो XL का वैल्यू बढ़ेगा ना, तो ओमेगा को जब हम बढ़ाएंगे तो XL का वैल्यू बढ़ेगा, यानी इस प्रकार का ग्राफ होगा। थोड़ा सा छोटा ग्राफ बना लेते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा। इस दिशा में ओमेगा को हमें बढ़ाना है तो ये रेजिस्टेंस का हो गया। अब हम ओमेगा को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो XL का वैल्यू इस प्रकार बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम ओमेगा को घटा रहे हैं तो फिर XC का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू, ये ओमेगा को बढ़ाने पर
ये किसका वैल्यू था, एक्सेल का, जो बढ़ रहा है। अगर हम ओमेगा का वैल्यू अब घटा रहे हैं तो फिर ओमेगा का वैल्यू घटाएंगे तो एक्स सी का मान घट ये होगा, ठीक है, थोड़ा सा और ये ऊपर से, ये क्या हो जाएगा, एक्स सी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम दोनों के लिए ग्राफ बनाते हैं, चूंकि आप यहां पर देख सकते हैं कि जब ओमेगा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो एक्सेल बढ़ेगा, ओमेगा का वैल्यू बढ़ाएंगे तो एक्स सी घटेगा, और इसका वैल्यू कम करे तो ये बढ़ रहा है। आपको ग्राफ पे ध्यान देना है, हम क्या ग्राफ बनाए हैं, सो कि ओमेगा का वैल्यू को जब हम बढ़ा रहे हैं तो ओमेगा का वैल्यू बढ़ाएंगे तो एक्सेल बढ़ेगा, तो एक्सेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ओमेगा जब बढ़ेगा तो एक्सी घटेगा, तो एक्सी क्या हो रहा है, घट रहा है। ओमेगा के वैल्यू को घटाकर देखिए, ओमेगा का वैल्यू घटाइएगा तो एक्सेल घटेगा और एक्सी बढ़ेगा, तो ग्राफ हो रहा है फॉलो। अगर आप दोनों के लिए एक साथ ग्राफ बनाए तो दोनों का ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा, बढ़ेगा भी और घटेगा भी, तो ये एक्सेल माइनस एक्सी का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब इन सारी परिस्थितियों में आप देखें तो एक तो ये बिंदु आ रहा है जहाँ पर दोनों का मान बराबर है, एक्सेल का भी मान बराबर है और एक्स सी का भी मान बराबर है, और इसको हम ओमेगा नॉट बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये जो एक्स एल और एक्स सी का दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा, तो एक्स एल और एक्स सी दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा, और ये जब जीरो हो जाएगा तो जेड का मान न्यूनतम प्राप्त होगा, और वो न्यूनतम मान केवल रेजिस्टेंस पर निर्भर करेगा, केवल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। और वहाँ पर जो धारा का वैल्यू है वो महत्तम प्राप्त होगा, और जब धारा का मान जहाँ पर महत्तम प्राप्त होता है उसी को अनुनाद की स्थिति कहा जाता है। यानी इसका अगर अलग से हम ग्राफ बनाएं तो आप देख सकते हैं कि ये जो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा आर, तो ये वैल्यू हो जाएगा जेड के लिए, और ये जो वैल्यू हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगा करंट के लिए आई। तो यहां पर ये पीक वैल्यू हो जाएगा करंट के लिए और इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा जेड का, ठीक है। तो जिस ओमेगा के, और ये ओमेगा के कौन सा मान है, तो ओमेगा का ओमेगा नॉट, चूंकि जहाँ पे दोनों का वैल्यू बराबर हो गया तो यहाँ से हम परिभाषा लिखेंगे कि जिस निश्चित आवृत्ति पर धारा का मान महत्तम होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे अनुनाद की स्थिति कहते हैं, ठीक है। अनुनाद का मतलब क्या हुआ, धारा के मान को महत्तम होने की घटना को हम अनुनाद कहते हैं। यानी जिस आप लिखेंगे आवृत्ति के जिस निश्चित मान पर धारा आयाम के महत्तम होने, या फिर ये ऐसा लिख लेते हैं, किसी निश्चित आवृत्ति पर धारा आयाम के महत्तम होने की घटना को विद्युत अनुनाद कहते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे डिफिनीशन, किसी निश्चित आवृत्ति पर धारा आयाम के महत्तम होने की घटना को विद्युत अनुनाद कहते हैं। तो यहाँ से आप एक लाइन का परिभाषा लिख लेंगे, और आयाम का मतलब हम बताए थे कि अगर कोई SHM कर रहा है तो जो उसका मैक्सिमम विस्थापन होता है उसी को आयाम कहा जाता है। तो यहाँ पर धारा का महत्तम विस्थापन हो जाएगा, कहाँ पर होगा, ओमेगा नॉट पर। तो ये क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे कि किसी निश्चित आवृत्ति पर धारा आयाम के महत्तम होने की घटना को विद्युत अनुनाद कहते हैं, और जिस निश्चित आवृत्ति पर धारा आयाम महत्तम होती है उस निश्चित आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफिनेशन, और ये तो है ही अनुनाद का, और जो आयाम की आवृत्ति निकालने ये ऑब्जेक्टिव के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को ध्यान में रखोगे। तो जिस निश्चित आवृत्ति पर धारा आयाम की घटना प्राप्त होती है, या सॉरी अनुनाद की घटना प्राप्त होती है, या फिर लिखेंगे जिस निश्चित आवृत्ति पर धारा आयाम महत्तम प्राप्त होती है उस आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। और अनुनादी आवृत्ति के लिए देख लीजिए, ओमेगा नॉट हम लिखे तो यहाँ पर एक्स एल की भी वैल्यू बराबर किसके और एक्स सी की वैल्यू दोनों बराबर है, एक्स एल बराबर एक्स सी, तो अनुनाद की स्थिति में दोनों बराबर है तो एक्सेल का वैल्यू की जगह ओमेगा एल, लेकिन कौन सा है, ओमेगा नॉट बराबर एक बटे ओमेगा सी, यानी ओमेगा नॉट सी, क्योंकि यहाँ पर की जो आवृत्ति को हम उसको ओमेगा नॉट माने हैं। अब ओमेगा को यहाँ पर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओमेगा नॉट का स्क्वायर बराबर एक बटे एल को इधर ले लेंगे तो एल सी, ठीक है। अब ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा,
रूट अंडर, तो ओमेगा बराबर रूट अंडर एक बटे एल सी, यानी ओमेगा नॉट बराबर एक बटे रूट अंडर एल सी। ये अनुनादी कोणीय आवृत्ति हो गया। इसको आवृत्ति के रूप में लिखेंगे तो टू पाई बटे टी नॉट लिख लेते हैं, बराबर एक बटे रूट अंडर एल सी। अब ये नीचे चलाएगा टू पाई, और एक बटे टी को एफ कहते हैं, तो एफ नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे टू पाई रूट अंडर एल सी। ये हो जाता है फिर अनुनादी आवृत्ति। कई बार के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में है, ये है और ये है, ठीक है, सब एक ही बातें लिखा हुआ, ये पर कई बार एग्ज़ाम में अलग अलग फॉर्म में, कभी ये था ऑप्शन 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 में, तो ऑब्जेक्टिव में बहुत बार ये पूछा है, ठीक है, कि अनुनाद की स्थिति, तो अनुनाद का शर्त एक्सएल बराबर एक्स सी, ठीक है, अनुनादी आवृत्ति तो ये हो गया, अनुनादी कोणीय आवृत्ति तो ये हो गया। तो ऑब्जेक्टिव पे भी इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और हमेशा पूछते रहता है इसको अलग अलग फॉर्म में, तो आप भी इसको याद रखोगे, अनुनादी कोणीय आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति, अनुनाद की शर्त, क्योंकि अनुनाद की शर्त क्या, एक्सएल बराबर एक्स सी ही तो है, जहाँ पर जेड का मान है वो न्यूनतम प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब है कि अनुनादी आवृत्ति में धारा, पॉइंट बना बना के इस बात को लिखिएगा जो हम बातें बोल रहे हैं, अनुनादी आवृत्ति में धारा आयाम किस पर निर्भर करती है, तो अनुनादी आवृत्ति में जो धारा का वैल्यू होगा, जो मैक्सिमम मान होगा, वो क्या हो जाएगा, ई नॉट बटे जेड के बराबर, और यह जेड, तो आप जेड के लिए देखिए, तो आई मैक्सिमम निकालेंगे तो ये ई नॉट, और जेड का वैल्यू क्या चीज़, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, यही ना होगा, अनुनाद की स्थिति में धारा महत्तम हो जाएगा। और जब अनुनाद की स्थिति में धारा महत्तम होगा तो अनुनाद कब होता है, जब एक्स एल और एक्स सी दोनों का वैल्यू बराबर है, तब, तो अनुनाद की स्थिति में ये दोनों बराबर है, तो एक्स एल में से एक्स सी घटाएंगे, बराबर में से बराबर, तो कथी आ जाएगा जीरो, तो फिर जो आई का मैक्सिमम मान प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, ई नॉट बटे रूट अंडर में आर स्क्वायर, यानी ई नॉट बटे आर, ठीक है। तो अनुनाद की स्थिति में जो धारा का मान है वो किस पर निर्भर करता है, केवल प्रतिरोध पर, ठीक है। तो फिर से अगला पॉइंट ये एक बन जाएगा कि अनुनाद की स्थिति में जो धारा का मान है, धारा आयाम का मान है, वो केवल प्रतिरोध पर निर्भर करती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम जानेंगे कि एक और पॉइंट होता है कि यहाँ पर भाई धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फेज कितना होगा, कोण क्या होगा, तो आपको पता है कि अब यहाँ अनुनाद की स्थिति में जो इसका रेजिस्टेंस है वो एक्सएल और एक्स सी जब बराबर हो गए तो रेजिस्टेंस तो केवल आर के बराबर हुआ, और केवल जब आर होता है परिपथ में तो फिर विद्युत वाहक बल और धारा के बीच का जो कलांतर होता है वो शून्य होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपको ये बात लिख लेंगे, एक और पॉइंट बन गया कि अनुनाद की स्थिति में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर क्या होगा, कलांतर जीरो होगा, ठीक है, कलांतर जीरो हो जाएगा, तो ये स्थिति हो गई। उसके बाद अनुनाद का यूज़ क्या होता है, तो देखिए ये रेडियो के जो संकेत भेजा जाता है, तो रेडियो के संकेत भेजा जाता है वहाँ पर एलसीआर सर्किट को यूज करके जो सिग्नल प्राप्त होती है, उस प्राप्त सिग्नल को समस्वरित किया जाता है, क्योंकि दोनों को मिलाकर, जैसे कि आप रेडियो में बजाते हैं वहाँ पे बैंड को घुमा घुमा कर मिलाते हैं, तो मिलाने के वक्त यही मिलाया जाता है कि उसके आयाम को महत्तम, चूँकि जो सिग्नल मिल रहे होते हैं ना उसको मिलाकर उसकी एनर्जी को मैक्सिमम तक लाया जाता है, तो फिर वो सिग्नल मैच करता है और वहाँ से हमें आवाज़ सुनाई देती है, तो फिर समस्वरित करने में, ठीक है, रेडियो सिग्नल के संप्रेषण में एलसीआर सर्किट को यूज़ किया जाता है कि जो सिग्नल प्राप्त होते हैं उसको अनुनाद की स्थिति पर लाकर समस्वरित करने में, ताकि दोनों का आवाज़ मिल जाए और वो मैक्सिमम ऊर्जा हमें प्राप्त हो, जो कि सुनाई देती है ऊर्जा, क्योंकि आवाज़ भी तो क्या है, ऊर्जा ही है ना, तो वो हमें सुनाई देती है, तो सम क्या होता है, उसको जो प्राप्त होती है सिग्नल उसको समस्वरित करने में इसका उपयोग किया जाता है एलसीआर सर्किट का। तो यहाँ पर जो पॉइंट हम बताए हैं उस पॉइंट को आपको, चार पांच से पॉइंट हुई उन सबको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछता है यहाँ से एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हर साल। तो ये था इलेक्ट्रिक रिजोनेंस, ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। यहाँ पे हम विद्युत शक्ति पढ़ेंगे वो एलसीआर के लिए पढ़ेंगे, सॉरी
प्रत्यावर्ती धारा के लिए, क्योंकि केवल विद्युत शक्ति जो पढ़े थे इससे पहले वो डीसी के करंट के लिए ही पढ़े थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो इससे पहले हम पढ़ रहे थे पीछे के चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वहाँ पे सब डीसी करंट के थ्रू पढ़ा जाता है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन को कांस्टेंट लेते हैं और डीसी का मतलब डायरेक्ट कांस्टेंट, समय के साथ उसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पर अभी पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट, जहाँ पे समय के साथ इसके दिशा और परिमाण दोनों में परिवर्तन होते रहता है। तो अब हमें पढ़ना इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर में हम क्या पढ़ेंगे देख लीजिए। तो हमें पता है कि अगर किसी चालक तार से I धारा प्रवाहित हो रही है और उसके सिरों के बीच का विभवांतर भी है, तो उसका विद्युत शक्ति जो होती है वो विद्युत शक्ति P VI के बराबर होती है, जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी वही होता है, बस करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उसके अनुसार हम पावर का एवरेज वैल्यू निकालेंगे, पर वैल्यू तो वही आएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि कोई प्रत्यावर्ती स्रोत है जिसका विद्युत वाहक बल E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी है, और इस स्रोत के कारण जो धारा होगा उसका वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइ, ये है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता था, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो अल्टरनेटिव हम करंट पढ़ रहे हैं उसमें धारा और विद्युत वाहक बल एक ही दिशा में हो, उन दोनों के बीच में कुछ फेज हो सकता है, फेज आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, इसलिए हम प्लस माइनस लिख दिए, प्लस यूज करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे पीछे कैसे फेज होता है वो हम सर्किट में देखें कि जब केबल प्रेरकत्व था तो धारा पाई बाई टू कोण पीछे था, केबल संधारित्र था तो धारा पाई बाई टू कोण आगे था, केवल प्रतिरोध था तो दोनों एक ही दिशा में था, उसके बाद LCR का अलग कंडीशन बना, CR का अलग कंडीशन बना और LR का अलग कंडीशन बना, तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ फेज आ रहा था। तो उसी के अनुसार हम मान लेते हैं कि यहाँ पर भी फेज होगा, कैलकुलेशन करने के लिए केवल प्लस में कर लेते हैं, कुछ भी हो सकता है फाइ जो धारा, तो इसके कारण जो हम पावर निकालेंगे पावर वो धारा और विद्युत वाहक बल के गुणनफल के बराबर हो जाएगी, यानी E इंटू आई के बराबर। तो P का वैल्यू, E का वैल्यू क्या चीज़, E नॉट साइन ओमेगा टी, और I का वैल्यू क्या चीज़, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसके बराबर। तो P बराबर हो जाएगा I नॉट E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये वैल्यू। अब आपको पता है कि ये साइन ए प्लस बी है, और साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो उसको फार्मूला के आधार पे लिख लेते हैं। तो पी बराबर हो जाएगा ये आई नॉट ई नॉट साइन ओमेगा टी और इंटू साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ये वैल्यू इसके फार्मूला पे। अब साइन ओमेगा टी से दोनों को गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पी बराबर आई नॉट ई नॉट और इसको गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन फाई, ये वैल्यू हो गए। अब ये जो स्क्वायर में है इसके लिए एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू होता है, तो इसको वैसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पी बराबर आई नॉट ई नॉट इसको लिखेंगे वन माइनस कॉस टू थीटा, तो कॉस टू ओमेगा टी और नीचे क्या चीज़ टू, उसके बाद ये हो जाएगा कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अब देख लीजिए कि ये टू है, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं इसको टू से गुणा कर देते हैं और टू से भाग दे लेते हैं,
ठीक है। तो ये टू और ये टू कॉमन हो जाएगा, तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि आप किसी भी संख्या में बराबर राशि से गुणा भाग कर सकते हैं, क्योंकि ये कट जाएगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो इस टू को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो p बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से टू को बटा वाला कॉमन कर लिए, तो एक बटे टू आई नॉट ई नॉट। अब यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बचा वन माइनस कॉस ओमेगा कॉस टू ओमेगा टी और इंटू कॉस फाइव, ये बचा प्लस। अब आपको ये फार्मूला याद होगा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन टू थीटा होता है, यानी टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन टू थीटा होता है। तो ये फार्मूला यहाँ पे लागू हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, साइन टू ओमेगा टी और इंटू साइन फाइव, ये वैल्यू हो गए। अब आप देखिए कॉस से फिर हम इसको गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पी बराबर हो जाएगा वन बटे टू आई नॉट ई नॉट, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चूंकि ये तो पूरे के साथ गुणा में है, ई नॉट आई नॉट सबके साथ है गुणा में, ये वाला है ना, तो ये हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो कॉस फाई माइनस कॉस फाई और कॉस टू ओमेगा टी प्लस साइन टू ओमेगा टी साइन फाइव। ये अगर आप देखिए कि ये वाला गुणा कर लिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है कि वन माइनस कॉस, तो इसको कॉस से कॉस फाइव से गुणा किए तो ये फिर ये हो गया, फिर ये दोनों को जैसे है वैसे। अगर हम इस माइनस को कॉमन कर लें, जब इस माइनस को कॉमन करेंगे तो ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर से देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर पी का वैल्यू क्या हो गया, पी का वैल्यू आ जाएगा वन बाई टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाई और माइनस कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वैल्यू आ गया पावर का। तो पावर का वैल्यू तो हम निकाले, पर यहाँ पर धारा और विद्युत वाहक बल दोनों समय के साथ बदल रहे हैं, तो फिर पावर भी बदलेंगे ना, तो पावर भी बदलेंगे निश्चित रूप से। तो फिर इसका हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, तो किसी का भी एवरेज निकालने का, एवरेज तो किसके रूप में बदल रहा है, ये टाइम के रूप में, तो हम एक टाइम पीरियड के लिए निकाल लेते हैं, बटा में परिवर्तन में लगा समय एक टाइम पीरियड के लिए, हमेशा एवरेज निकालने का यही तरीका है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पी का वैल्यू हाफ ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव माइनस कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डी टी, और नीचे क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा टी। तो फिर पी एवरेज का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये तो कांस्टेंट है, उसको पीछे कर लेते हैं, तो वन बटे टू ई नॉट आई नॉट और बटा में टू है, तो इसको बटा में ऐसे टू टी कर लेते हैं, ई नॉट आई नॉट बटे टू टी पीछे कर लिए, इंटीग्रेशन क्या बचा, ये कॉस फाइव इंटू डी टी दोनों के साथ एक बार चलिए अलग अलग करके कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस फाइव माइनस कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि एक बार हम कर सकते थे एक ही बार में अलग अलग, पर आप लोगों को थोड़ा सा ये ज़्यादा खलेगा इसलिए हम एक एक स्टेप कर ले रहे हैं। तो पी बराबर फिर से क्या हो जाएगा, ये ई नॉट आई नॉट बटे टू टी और ये क्या आ जाएगा, अब इंटीग्रेशन तो अलग अलग कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन कॉस फाई डी टी लिमिट जीरो से टी तक, फिर इसके साथ में इंटीग्रेशन लगाएंगे तो माइनस इंटीग्रेशन जीरो से टी तक कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डी टी। और जो मैथ के स्टूडेंट है वो तो इंटीग्रेशन आसान से कर सकते हैं, पर बायो वाले को भी बताया गया है इंटीग्रेशन, कई बार हम बताए हैं, तो चलिए फिर से यहाँ से इंटीग्रेशन करते हैं। आप देखिएगा कि यहाँ पर कॉस के साथ फाइव है और डी के साथ टी है, तो ये कॉन्स्टेंट है, ये भी पीछे चलाएगा, और यहाँ पर टी है तो ये वेरिएबल है, ठीक है। तो पी एवरेज का वैल्यू में ई नॉट आई नॉट बटे टू टी,
और इसका इंटीग्रेशन, चूंकि कॉस तो पीछे चलाएगा, केवल डी टी बचेगा, और जब केवल ऐसा फंक्शन होता है तो उसका इंटीग्रेशन केवल वही होता है जो डी के साथ है, तो फिर कॉस फाई तो पीछे चलाएगा, इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका रहेगा केवल टी और लिमिट जीरो से लेकर टी तक। माइनस यहाँ पर कॉस का क्या होता है, साइन होता है, ठीक है, चूँकि ये कॉन्स्टेंट है इसलिए ये कोई इस पर फार्मूला तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये वेरिएबल होता तो फार्मूला पे हम तोड़ सकते थे, केवल ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, कॉस का होता है साइन और साइन प्लस में ही रहता है, तो साइन टू ओमेगा टी प्लस फाइव, और जब एंगल के साथ जो गुणा में होता है वो भाग में भी चलाता है, और लिमिट जीरो से लेकर टी तक। तो पी एवरेज के लिए यहाँ तक निकाले, अब आप वीडियो को पुश करके इसको लिख सकते हैं, इसलिए हम इधर को मिटा कर और फिर जो थोड़ा सा कैलकुलेशन बच गया उसको कर लेते हैं, और इसको ये कोई बड़ा है नहीं क्योंकि पूरा कैलकुलेशन ही है, इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप कैलकुलेशन को एक बार देखिए और कॉपी पे खुद से कीजिएगा तो आप कर सकते हैं, चूँकि टोटल के टोटल मैथमेटिक्स ही है इसमें। तो पी बराबर, फिर पी का जो एवरेज वैल्यू है उसका मान निकालेंगे तो क्या रहा है, ई नॉट आई नॉट अपॉन टू टी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस फाई है और अपर लिमिट टी और लोअर लिमिट जीरो, तो केवल टी लिख दिए। माइनस अब फिर यहाँ पर लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हम एक बटे टू ओमेगा को हम पीछे कर लिए और मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कैपिटल टी लिखेंगे, तो इस टी के जगह क्या आएगा, कैपिटल टी, तो बचेगा साइन टू ओमेगा टी अब प्लस फाइव ये, अब माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट जीरो है तो इसके जगह जीरो लिखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, फाइव बच जाएगा, तो फिर माइनस क्या बचेगा, साइन जीरो ये। फिर से एक बार देख लीजिए इसको कि ई नॉट आई नॉट बटे टू वो लिखे, कॉस फाइव लिखे, यहाँ पर लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो टी माइनस जीरो, तो केवल टी बचेगा, तो वो लिख दिए। फिर ये टू ओमेगा को हम पीछे कर लिए तो एक बटे टू ओमेगा, और यहाँ पर लिखना हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन टू ओमेगा टी, तो इस टी के जगह कैपिटल टी लिखेंगे, तो कैपिटल टी लिख दिए, अब प्लस में फाइव है तो फाइव तो रहेगा। माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट जीरो रखेंगे इस टी के जगह तो ये वाला जीरो हो जाएगा, लेकिन फाइव तो बच जाएगा, तो फिर ये फाइव आगे, सॉरी फाइव है ना, तो यहाँ पर फाइव ये। तो पी एवरेज बराबर ई नॉट आई नॉट बटे टू टी, और ये बच रहा है कॉस फाइव इंटू टी, माइनस एक बटे टू ओमेगा, और ये देखिए साइन टू ओमेगा का वैल्यू टू पाई बटे टी और इंटू में टी प्लस फाइव, और माइनस में क्या चीज़ है, साइन फाइव ये, तो ये कट जाएगा। तो पी एवरेज बराबर क्या बच रहा है, ई नॉट आई नॉट बटे टू टी कॉस फाइव इंटू टी माइनस एक बटे टू ओमेगा, और ये क्या आ गया, साइन फोर पाई, साइन फोर पाई प्लस फाइव माइनस साइन फाइव, ठीक है। अब ये जो फार्मूला है साइन फोर पाई प्लस थीटा, तो आपको पता है कि साइन का ग्राफ इस प्रकार होता है, और साइन का जो ग्राफ होता है ना वो टू पाई का पीरियोडिक होता है, मतलब टू पाई के बाद वो अपना पुनः रिपीट करता है, तो टू पाई फोर पाई सिक्स पाई एट पाई सबका वैल्यू, तो साइन टू पाई प्लस थीटा, साइन फोर पाई प्लस थीटा, साइन सिक्स पाई प्लस थीटा, साइन एट पाई प्लस थीटा, साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। यानी साइन टू पाई का, चूंकि ये टू पाई है, फिर यहाँ से यहाँ तक टू पाई, तो ये फोर पाई, फिर इस प्रकार, तो साइन का जो ग्राफ होता है वो टू पाई का पीरियोडिक होता है, टू पाई के बाद अपने मान को पुनः रिपीट करता है, इसलिए साइन टू पाई प्लस थीटा, साइन फोर पाई प्लस थीटा, साइन सिक्स पाई प्लस थीटा, यानी जो उसका सम संख्या होता है उसके गुणांक में सब वैल्यू साइन थीटा के बराबर होता है, तो साइन फोर पाई प्लस फाइव साइन फाइव के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पी एवरेज बराबर ई नॉट आई नॉट बटे टू टी और कॉस फाइव इंटू टी माइनस एक बटे टू ओमेगा, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, एक ही बार में जीरो नहीं कर लेते हैं, लिख देते हैं, ये हो जाएगा साइन फोर पाई प्लस फाइव का वैल्यू फाइव माइनस साइन फाइव
और ये वैल्यू जीरो हो गए। अब ये वैल्यू जीरो हो जाएंगे तो पी एवरेज का वैल्यू आ गया ई नॉट आई नॉट बटे टू टी और ये कॉस फाइव इंटू टी माइनस जीरो। ये तो ये टी से टी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो फिर जो पावर का वैल्यू आ गया, जो एवरेज वैल्यू, वो क्या आया, वन बाय टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव। ये तो ये आ गए पावर का वैल्यू प्रत्यावर्ती धारा के लिए। अब आप इसमें देखिए कि P बराबर हाफ आई नॉट टी नॉट कॉस फाइव, ठीक है। इसमें ये जो कॉस फाइव है ये भी कांस्टेंट ही है, क्योंकि ओमेगा टी रहता तो समय के साथ ये वैरी करता, पर ये फाइव है जो उसके फेज कांस्टेंट था धारा और विद्युत वाहक बल के बीच। ये मान कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पाई बाई टू भी हो सकता है, या कोई अलग सा भी कोण आ सकता है। और इसका वैल्यू निकालने के लिए जितने भी सर्किट हम बताए थे उन सब सर्किट में हम ट्रेंगल बताए थे, प्रतिबाधा, त्रिभुज, आप वहाँ से इस फाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इस फाई को हम क्या कहते हैं, इस फाई को हम बोलते हैं शक्ति गुणांक, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक। अब कई बार के क्वेश्चन में तो इसको डायरेक्टली पूछ लिया है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में, कि शक्ति गुणांक क्या है, और ऑप्शन में कॉस साइन टैन इस प्रकार लिखा हुआ रहता है। तो आपको याद रहना चाहिए कि शक्ति गुणांक क्या है, कॉस फाई है। चलिए इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव के लिए एक पॉइंट क्या बन रहा है, ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट बन रहा है कि शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक क्या है, कॉस फाई है। चलिए तो अब पी एवरेज का मान देखिए, तो पी एवरेज बराबर है ये जो लिखा हुआ है हाफ ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव। इस कॉस फाइव को क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक। अब ये जो बटा में टू है उसको रूट अंडर टू, रूट अंडर टू दो बार लिख सकते हैं, यानी ऐसे पी एवरेज बराबर ई नॉट बटे रूट टू और आई नॉट बटे रूट टू कॉस फाइव, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना, इसको यथार्थ मतलब रियल वैल्यू बोला जाता है, पावर का रियल मान, ठीक है। और ये जो है, चूंकि ये भी देख लीजिए आप, आई आर एम एस और ई आर एम एस हम लिखते हैं इसको, यानी पी का जो ट्रू वैल्यू है रियल मान, वो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ई आर एम एस और ये आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, ठीक है। तो ये P का रियल मान है, वास्तविक है, ट्रूथ वैल्यू है। और आर एम एस जो वैल्यू होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, आभासी कहते हैं, वर्चुअल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल, ठीक है, या फिर वर्चुअल को एक चीज़ और बोलते हैं, अपरेंट वैल्यू भी बोलते हैं उसको, ठीक। और ये कॉस फाइव, शक्ति गुणांक। तो यहाँ पर ये जो P का यथार्थ मान है, ट्रू मान है, उसको ऐसा हम लिख सकते हैं, पी टी बराबर ये अपरेंट मान, यानी पी ए बोलेंगे, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस फाइव। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या थी, शक्ति का वास्तविक मान बराबर आभासी मान गुने कॉस फाइव, ठीक है। तो यहाँ से जब कॉस फाइव का वैल्यू निकालोगे तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, पी टी बटे पी ए, आप इस रूप में भी लिख सकते हो, पी टी बटे पी ए, ठीक है। यानी कॉस फाई का वैल्यू क्या आ गया, कॉस फाई का वैल्यू शक्ति के वास्तविक मान बटे शक्ति के आभासी मान, और उसके अनुपात के बराबर हो गया, तो ये कॉस फाई हो गया। यहाँ से आप शक्ति गुणांक का परिभाषा भी देख सकते हो कि शक्ति के वास्तविक मान तथा आभासी मान के अनुपात को हम शक्ति गुणांक कहते हैं, ठीक है। इस रूप में भी परिभाषा दे सकते हो या इस रूप में भी दे सकते हो कि शक्ति के आभासी मान में कॉस फाई से गुणा करने पर, शक्ति गुणांक से गुणा करने पर उसका वास्तविक मान प्राप्त होता है। इसको पॉइंट बाय पॉइंट इसको आप ध्यान में रखोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछने का तरीका यही बनता है कि उसके आभासी मान में शक्ति गुणांक से गुणा कर देंगे तो कौन सा मान प्राप्त होगा, तो वास्तविक मान प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो, और जो भी पॉइंट बन रहा है जैसा हम बता रहे हैं उसको आप पॉइंट बना के लिखोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम तो ये बताएं कि कई बार एग्जाम में केवल ये पूछे हुआ है कि शक्ति गुणांक क्या होता है, और ऑप्शन में वही कॉस फाइव साइन फाइव टेन फाइव वगैरह रहता है, तो आप इसको ध्यान में रखोगे। फिर अगले क्लास में आएंगे तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे, इससे पहले और वाटिन करेंट वगैरह पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए देखते रहिए दीपी विहार इंटरमीडिएट कोचिंग सेंटर। जय हिंद।